नमस्कार बच्चों, आज मैं फिजिक्स 10वां क्लास का फिजिक्स लेकर आया हूँ। उसमें पहला चैप्टर जो है प्रकाश, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, तो चैप्टर का नाम है प्रकाश। परावर्तन एवं अपवर्तन, तो मैं प्रकाश के बारे में बताऊंगा कि प्रकाश क्या है। इसको ध्यान से देखिए, प्रकाश, प्रकाश की परिभाषा यह जाता है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। इसके परिभाषा दिया जाता है, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कमरा अंधेरा है और वहाँ हम जा रहे हैं, तो हमको अगर कोई वस्तु रखी हो तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अंधेरा कमरे में कोई वस्तु रखी है तो वस्तु दिखाई नहीं दे, भले हमारे पास आँख है तो क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वहाँ हम लाइट जलाएंगे, कोई दीपक जलाएंगे, तो वह वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। क्यों दिखाई देने लगती है? क्योंकि उस पर वस्तु पर प्रकाश पड़ता है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश, उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश, वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों के रेटिना पर बनता है। हमारी आंख में जो परत होती है, सबसे निचली परत रेटिना, उस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और उस वस्तु को हम आराम से देख लेते हैं। समझ गए? किसी वस्तु को क्यों हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं? जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद जब उस वस्तु से टकराकर वह प्रकाश, वह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों के रेटिना पर बनते हैं, तभी किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश एक माध्यम हो गया, वस्तु को देखने का एक माध्यम हो गया। भले ही हमारे पास आंख हो, अगर प्रकाश न रहे तो हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। आगे देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, आड़ा तिरछा नहीं चलती है। सीधी रेखा में कैसे गमन करती है? अगर वह सीधे चल रही है, अगर उसके सामने कोई वस्तु आ रहा है तो उस वस्तु को जाकर टकरा जाती है, ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा होकर निकल जाती है। इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात से होकर भी गमन करती है, यह निर्वात से होकर भी गमन करती है। निर्वात मतलब क्या होता है? जहां कोई चीज नहीं हो, खाली स्थान हो, वहां कोई माध्यम नहीं है, कोई चीज नहीं हो, कुछ नहीं है, वहां से भी प्रकाश निकल जाएगी। निर्वात से गमन, प्रकाश का भी तीन गुना 10^8 निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश वेग 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश वेग 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए बच्चों, ये 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। ये आपको याद रखना, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। विकल्प दे देगा कि प्रकाश वेग निर्वात में कितना होता है, चार विकल्प देता है, उसमें ये विकल्प ध्यान रखना है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं ऐसे देता है किलोमीटर प्रति सेकेंड में देता है, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा 3×10^5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, यानी 3×0 1, 2, 3, 4, 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहीं नहीं देता, कहीं कहीं किलोमीटर प्रति सेकेंड में भी सवाल दे देता है। याद रखिए, अगर मीटर प्रति सेकेंड दे तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होगा, और किलोमीटर प्रति सेकेंड दे तो 3×10^5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा या 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ गए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी बात,
प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? वे तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वे तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठोस द्रव गैस की आवश्यकता उसको नहीं होती है, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या क्या आ जाएंगे? प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। एक्स किरणें आ जाती है, एक्स किरणों के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं आती है। गामा किरणें हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग आपका प्रकाश ही है, प्रकाश के लिए भी, गमन के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, समझे? तो हमने क्या समझा, हम इसमें मेन चीज क्या देखे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है, यह सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह निर्वात से भी होकर गमन करती है, इसका वेग 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका वेग 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो समझ गया प्रकाश। इसके बाद अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा किरण क्या है, किरण के बारे में समझाऊंगा, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।